पूर्णिया में नववर्ष को लेकर लोगों में काफी उत्साह, लोगों ने धूमधाम से जश्न मनाया। नववर्ष 2021 को लेकर पूर्णिया के लोगों में एक नया उत्साह देखा जा रहा है। जहां एक तरफ पिछले वर्ष लोग पूरी तरह से कोरोना त्रासदी का शिकार रहे, 2020 में आजादी से घूम नहीं पाने की वजह से आज नववर्ष के मौके का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। लोगों ने घर से बाहर निकलकर मंदिर में पूजा अर्चना किया एवं अनेकों लोग पार्क में भी घूमते नजर आए। पूर्णिया के जनता चौक स्थित ध्रुव उद्यान में लोगों ने अपने परिवार, दोस्त, बच्चों के साथ काफी मौज मस्ती की और अपने अपने अंदाज में नववर्ष 2021 का स्वागत किया एवं धूमधाम से नए साल के आगमन पर जश्न मनाया। ध्रुव पार्क को नववर्ष के आगमन पर लोगों के मनोरंजन के लिए खोल दिया गया है, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बिना मास्क के पार्क में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शहर के बीचों बीच स्थित राजेंद्र बाल उद्यान को कोरोना के खतरे को देखते हुए खोलने की इजाजत नहीं मिली, जिस कारण कई लोग राजेंद्र बाल उद्यान घूमने तो आए मगर उन्हें वापस निराश होकर लौटना पड़ा और उन्हें दूसरे जगहों पर जाना पड़ा। पार्क घूमने के लिए, लेकिन ये पार्क को बंद पाया गया है। किस पार्क में भी आए थे आप? जा रहे हैं ध्रुव उद्यान, देखिए क्या होता है वहाँ। अच्छा, अभी कहाँ आए थे? अभी आए थे राजेंद्र बाल उद्यान। बच्चे को साथ लेके आए हैं घूमने के लिए। पार्क तो बंद है इस बार, शहर के बीचों बीच ये पार्क है जिसको बंद रखा गया। ये पार्क को खुला हुआ होना चाहिए था पर बंद पाया गया है। अच्छा, और क्या तैयारी है, कैसे आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? सेलिब्रेट हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मंदिर घुमा गया है पूरा, आप बच्चे लोगों को थोड़ा घुमा देते हैं। कहाँ से आए हैं? हम SDO निवास के पीछे से। ज्ञान पार्क है जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर कुछ लोगों से हम लोगों को पता चला कि सरकार के द्वारा आदेश नहीं हुआ कोरोना काल को लेकर, तो ये अभी बंद है। और सब पार्क तो खुला हुआ है, जैसे ध्रुव उद्यान है और भी नेवालाल चौक के पार्क। पता चला कि ये टाउन एरिया के बीच में है। अच्छा, इसीलिए बंद रखा है। इसलिए इसको बंद रखा लग रहा है पार्क में आके, लेकिन टिकट का दाम बहुत बढ़ा दिया गया है। 10 रुपया का टिकट सीधा 50 रुपया हो चुका है, तो ये नाइंसाफी है सरासर जनता के साथ। अच्छा, पार्क में सुविधा क्या क्या मिल रहा है? पार्क में अच्छा खासा सुविधा है, बच्चों के लिए जिम टाइप से बनाया हुआ है उधर। अच्छा, न्यू ईयर जैसे है, इस बार लोगों की भीड़ कितनी देखी जा रही है? भीड़ अच्छी खासी दिख रही है, बच्चे आए हुए हैं, कपल्स आए हुए हैं, अच्छा लग रहा है पार्क में आके। 2021 नववर्ष शुरुआत हो चुका है और इस बार पार्क में क्या व्यवस्था है और लोग कितने आ रहे हैं? मैं पहले तमाम पूर्णिया वासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, इस कोरोना काल के बाद बहुत बड़ी 2021 में एक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। और पार्क में बहुत ही व्यवस्था किया गया है, छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक का इंटरटेनमेंट का साधन है। जंपिंग है, बोटिंग है, बुल राइडिंग है, हॉर्स राइडिंग है, स्कॉर्पियो राइडिंग है, विभिन्न तरह का राइड का व्यवस्था किया गया है। मनोरंजन का खास वो इंतजाम है और मैं चाहूँगा पूर्णिया वासियों से, और बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, मनोरंजन के लिए जरूर लाएं, पढ़ना जितना जरूरी है मनोरंजन भी उतना ही जरूरी है।